observation of an art class, especially in primary classrooms, it has been observed ke students jo hain wo aksar aur peshtar closed ended tasks mein involved rehte hain, jaise ke pre drawing complete kar rahe ho ya step by step ek procedure follow kar rahe hain koi craft banane ke liye. However, this is a very limited view of what children can achieve through artistic expression. We planned a joint assignment between two courses. One was child development and the other one was classroom management. This assignment had two parts. Pehle part mein जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, इसमें इन्होंने एक बच्चे के प्राइमरी ग्रेड के बच्चे के आर्ट पीस को लेकर उसको एग्जामिन करना था और फिर उसके बाद उसके जो इमोशनल और डेवलपमेंटल सोशल डेवलपमेंटल स्टेज है उसके बारे में बताना और फिर उस बच्चे के जो आर्टिस्टिक स्टेज है उसके बारे में आइडेंटिफाई करना था. असाइनमेंट के दूसरे हिस्से में हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव आर्ट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की और डेवलप की. इन आर्ट एक्टिविटीज़ का जो मेजर पर्पस था वो ये था कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स. आर स्टूडेंट वर एबल टू रिकग्नाइज द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट वर्क एज वन ऑफ द मेजर कैटलिस्ट फॉर चिल्ड्रंस आर्टिस्टिक social and emotional development, which is one of the major goals of our two courses, that is child development and classroom management. हमने ये नोट किया कि हमारा आर्ट पीस जो है सेल्फ मैनेजमेंट को टारगेट कर रहा है. उसमें ये आता है कि जो है जनरली अगर हम देखें तो आर्ट वर्क बेहतर सेल्फ मैनेजमेंट आर्ट वर्क के थ्रू बेहतर मेजरली फोर स्टेजेस में हो सकता है. सबसे पहला स्टेज है सेल्फ रेगुलेशन, देन मोटिवेशन, देन मेटाकॉग्निशन एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हमें थोड़ा सा इस बात पे गौर करते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह हम आर्ट वर्क के थ्रू इंस्टिल करवा सकते हैं बच्चों के अंदर और उनके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट को और बेहतर कर सकते हैं. सो अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि बच्चा अगर कोई भी स्टोरी लिख रहा है तो उसके पीछे उसका कोई थॉट प्रोसेस है. अगर टीचर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि उसके थॉट प्रोसेस को पिक्चराइज किया जा सके, तो उसे पता चलेगा कि उसके इमोशंस को ना सिर्फ वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है बल्कि उसके इमोशंस कलर्स और पेंट्स और स्ट्रोक्स और लाइन्स की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं.